नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं, हम फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द प्राइमरी स्टिमुलस टू इंक्रीज द रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इज। एरिथ्रोपोइसिस की दर को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है? यानी एरिथ्रोपोइसिस जो होती है ब्लड, जैसे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन बनने की दर को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है? तो ऑप्शन ए हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोक्सिया, ऑप्शन डी हाइपरकैपनिया। तो जो हाइपरकैपनिया होता है, इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में नॉर्मल से अधिक होने को हम हाइपरकैपनिया कहते हैं। हाइपोक्सिया जो होता है, इसमें टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वह कम होता है, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होने को हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोकेलेमिया जो होता है, यह नॉर्मल से कम, यानी जो पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल से कम होने को हम हाइपोकेलेमिया कहते हैं। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 to 5.1 MEQ पर लीटर, ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। 3.5 से कम होने को हम हाइपोकेलेमिया कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है एरिथ्रोपोइसिस की रेट को बढ़ाने वाला प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है। तो जो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, जिसमें एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्रेंस ऑफ सर्टेन डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी सर्टेन डिजीज यानी निश्चित बीमारी के होने से और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के होने से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ऑप्शन डी पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, वह किसी भी डिजीज या बीमारी के होने से हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है, वह नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? यह मदर से, जैसे मदर से बच्चे में इम्यूनोग्लोबिन का ट्रांसफर, मदर से बच्चे में एंटीबॉडी का ट्रांसमिशन जो होता है, जिसमें IgG और IgA, IgG जो होती है वह प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस में पहुंचती है, और IgA जो होता है यह कोलोस्ट्रम जो होता है, माता का दूध जो होता है, उसके दूध मिल्क के द्वारा, मदर मिल्क के द्वारा बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है वह नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। और एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है, वह वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीनेशन के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल के लिए पोलियो, TB, BCG, डिप्थीरिया, ये सारी जो वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वह एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। और पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसमें हम एंटी टॉक्सिन, एंटी सेरा, इंट्राविनस इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी, जो इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी देते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसी सर्टेन डिजीज और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी मिलती है, वह नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टी सेल इम्यूनिटी इज, टी सेल की इम्यूनिटी क्या है? ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड, ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएटेड, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी इंटरफेरॉन मीडिएटेड। जो टी सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ह्यूमरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज, ह्यूमरल इम्यूनिटी को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड और ऑप्शन डी इंटरफेरोन मीडिएटेड। जो ऑप्शन ए है सेल मीडिएटेड, यह है टी सेल की जो इम्यूनिटी, जो टी लिम्फोसाइड के द्वारा इम्यूनिटी मिलती है उसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है यह एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वह किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए टी लिम्फोसाइड, ऑप्शन बी वी लिम्फोसाइड, ऑप्शन सी इंटरफेरोन, ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ऑप्शन ए जो है टी लिम्फोसाइड, इसके द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है वह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और जो बी लिम्फोसाइड से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होती है वह वी लिम्फोसाइट के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, ए रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड, जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है उसका नंबर कम होने से, नॉर्मल से कम होने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन बी ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन सी ल्यूकोरिया और ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। देखिए जो ऑप्शन डी है ल्यूकेमिया, यह ब्लड कैंसर है, यह ब्लड कैंसर है, और जो ल्यूकोरिया है यह फीमेल्स की, लेडीजों की बीमारी है, और ऑप्शन ए जो है ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें WBC की जो संख्या होती है नॉर्मल से अधिक हो जाती है उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और इसमें रिडक्शन ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पूछा गया है, तो जो ल्यूकोसाइट की संख्या नॉर्मल से कम हो जाती है उसको हम ल्यूकोपिनिया कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स बिलोंग टू, हेल्पर और साइटोटॉक्सिक जो सेल होती हैं वह बिलोंग करती हैं कहाँ से? ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी वी सेल, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी माइक्रोफेजेस। जो हेल्पर और साइटोटॉक्सिक जो सेल्स होती हैं, हेल्पर को हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम CD4 8 सेल्स भी बोलते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स होती हैं, यह टी सेल से बिलोंग करती हैं, जो टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो चलते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वह किसके विरुद्ध में इफेक्टिव होती है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी टॉक्सिन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वह बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स, इन सभी के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आर कॉल्ड, वह पदार्थ जिसके रिस्पॉन्स में एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है, वह पदार्थ जिसके रिस्पॉन्स में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है या स्टिमुलेट होती है, वह कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी कम्प्लीमेंट्स और ऑप्शन डी हिस्टामिन्स। जो हमारी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एंटीजन जो होता है बॉडी में इंटर करता है, तो उसके खिलाफ जो इम्यूनिटी बनती है वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको हम कह
हैं, और वह पदार्थ होता है एंटीजन। एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस दैट असिस्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ इंक्लूड। लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन में जो सहायता करते हैं वह प्रोसेस कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी ब्लड मूविंग थ्रू अर्टरी, ऑप्शन सी ब्लड मूविंग थ्रू वेन, और ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल। तो जो ग्रेविटी होती है इसका लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन में कोई रोल नहीं होता है, और ब्लड मूविंग थ्रू आर्टरी और ब्लड मूविंग थ्रू वेन ऑप्शन बी और सी, इनसे भी लिम्फ के ट्रांसपोर्ट में कोई भी हेल्प नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग स्केलेटल मसल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है, जो सराउंडिंग स्केलेटल मसल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, जो लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हैं एक्सेप्ट, यानी केवल एक को छोड़कर। तो ऑप्शन ए मेंटेनिंग टिश्यू फ्लूड बैलेंस, ऑप्शन बी फंक्शनिंग एज बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग फैट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग रेड सेल्स। तो ऑप्शन ए जो है मेंटेनिंग टिश्यू फ्लूड बैलेंस, जो मेंटेन टिश्यू फ्लूड, जो टिश्यू के फ्लूड को मेंटेन करता है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करता है। तो ये तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम हो गया। फंक्शनिंग एज डिफेंस, फंक्शनिंग एज बॉडीज डिफेंस सिस्टम, ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प करता है। इसमें हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं पूरी बॉडी में स्मॉल किडनी के रूप में पाए जाते हैं, जो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस कोई भी फॉरेन एंटीजन होता है उसको ट्रैप करके हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। तो ऑब्जर्विंग ऑफ फैट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये भी जो जो प्रोटीन एंड जो फैट्स और जो लार्ज पार्टिकल होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं उसमें भी लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करते हैं जो। और ऑप्शन डी जो है प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में लिम्फोसाइट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर ये ए और बी और सी, ये तीनों काम लिम्फेटिक सिस्टम को होते हैं। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस अलीसा ब्लड ग्रुप इज ए निगेटिव। मिस अलीसा जो है एक लेडीज हैं, इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए निगेटिव है। सी में रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव उनका होना है फ्रॉम एन इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज, वह किसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिसीव कर सकती हैं। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी बी निगेटिव, ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। देखिए जो अलीसा जो हैं इनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो या तो इन्हें ए नेगेटिव का ब्लड ग्रुप ही देना चाहिए, और या फिर इन्हें ओ नेगेटिव का जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसका ब्लड ग्रुप देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें जो है वो राइट आंसर है। इन्हें किसका ब्लड ब्लड जो किसका ब्लड रिसीव कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए नेगेटिव तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको मिस अलीसा रिसीव कर सकती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हीमोपोइसिस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हीमोपोसिस को लेकर? तो ऑप्शन ए मेगेलोब्लास्ट,
अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन इन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन बी ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ऑप्शन सी द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड न्यूट्रोपिनिया। ऑप्शन डी विटामिन के इज इसेंशियल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। देखिए जो विटामिन के है इसका रोल होता है क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए, तो ये तो गलत हो गया। और ऑप्शन सी जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड न्यूट्रोपिनिया, ये भी गलत है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ऑप्शन सी बी जो है ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो हमारी बोन मेरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं उनके द्वारा हीमोपोसिस की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो एलर्जी में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसनोफिलिया, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन सी लिम्फोसाइटोसिस, ऑप्शन डी मोनोसाइटोसिस। ये मोनोसाइटोसिस जो होता है जिसमें मोनोसाइट्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं और यह क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। और लिम्फोसाइटोसिस होता है जिसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं और यह वायरल वायरल और क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। और न्यूट्रोफिलिया जो है यह न्यूट्रोफिल्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। यह एक्यूट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में देखने को मिलता है। और जो इस्नोफिलिया है इसमें इस्नोफिल्स की संख्या का नॉर्मल से अधिक हो जाने को हम इस्नोफिलिया कहते हैं। और इस्नोफिलिया की जो कंडीशन होती है यह एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में देखने को मिलती है, तो इसमें एलर्जी का पूछा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ए पेशेंट हैज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, विच ऑफ दीज ब्लड सेल्स विल प्ले एन इमीडिएट एंड मेजर रोल इन कम्बैटिंग द इन्वेडिंग पैथोजन। जब किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले कौन सी ब्लड सेल उसको तुरंत और मेजर रोल अदा करेंगी टू कम्बैटिंग द इन्वेडिंग पैथोजन, यानी जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है उसको लड़ने में उससे लड़ने में कौन सी ब्लड सेल्स तुरंत और सबसे ज़्यादा रोल अदा करेंगी। तो ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी वेसोफिल्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं यह कोगुलेशन में हेल्प करती हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं यह एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में सबसे पहले देखने को मिलती हैं, वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसमें सबसे पहले देखने को मिलेंगी न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन्यवाद, हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।